नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज इंटरनेशनल कॉफी डे है। हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को सम्मान देना है जो कॉफी की पैदावार के लिए दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं। इसके अलावा इस दिन का मकसद है कि लोगों को कॉफी पीने के फायदों के बारे में जागरूक किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना 1963 में लंदन में हुई थी। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेट किया था। तब से इस दिवस को पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। हालांकि कई देश अपना खुद का राष्ट्रीय कॉफी दिवस अलग अलग डेट पर मनाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस चीन में 1997 में मनाया गया था। वहीं नेपाल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 17 नवंबर 2005 में मनाया गया था। आपको बता दें कि भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और मणिपुर में होता है। और जानकारी के लिए बता दें कि भारत में विश्व भर में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी की खेती होती है, क्योंकि यहाँ कॉफी सूर्य की रोशनी से दूर छांव में उगाई जाती है, जिससे कॉफी का टेस्ट बढ़ जाता है। कॉफी का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। तनाव को कम करने के लिए आप रोजाना उचित मात्रा में कॉफी का सेवन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि कॉफी का ज्यादा सेवन करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पश्चिमी देशों में कॉफी एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है। इसके अलावा कॉफी चर्बी को जलाने में मदद करती है। इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जोखिम भी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज में ये खासी मददगार है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को कॉफी जरूर पीनी चाहिए। कॉफी पीना हार्ट के लिए भी काफी लाभकारी होती है। साथ ही आपको बता दें कि अपनी कॉफी की खपत को दिन में 2 से 3 कप तक सीमित रखें। सीमित मात्रा में कॉफी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।